एक बार एक फैमिली थी, हस्ती खेलती छोटी सी फैमिली। फैमिली में माता पिता और एक छोटी बच्ची। सुबह का समय है, फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही है। बच्ची का हाथ लगा दूध के गिलास पे, दूध का गिलास गिर गया उसके फादर के ट्राउजर पे। अब फादर ने एक थप्पड़ लगा दिया बच्ची के। अब माता सामने बैठी है उसकी, उसने भी अपनी जॉब पे निकलना था, मेट्रो सिटी की बात है, तो उसने भी अपनी जॉब पे निकलना था और उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने हस्बैंड को एक दो बात बोल दी, हस्बैंड ने फिर दोबारा से बोली, और जैसे घरों में कहा सुनी हो जाती है, कहा सुनी बढ़ती चली गई। तुम्हारे रिश्तेदार बुरे, मेरे अच्छे तुम्हारे बुरे, व्हाटएवर सो घरों की कहानियां, और बात बढ़ती चली गई। जैसे ही 20-25 मिनट हुए, ऑफिस को जनाब लेट हो रहे थे, तो उन्होंने किसी तरह से बच्ची को लिया, गुस्से में गाड़ी में बिठाया और निकल पड़े। अब बच्ची लेट हो चुकी थी, उसको स्कूल में छोड़ा, रास्ते में भी ट्रैफिक था, अब कंसंट्रेशन थी नहीं, तो उस वजह से और ज़्यादा लेट होते चले गए ट्रैफिक में। देन ऑफिस में पहुँचे तो क्या हुआ, अब ऑफिस में भी जनाब लेट। अब ऑफिस में लेट पहुँचे तो बॉस से कहा सुनी हो गई, वहाँ पे भी कुछ चक्कर पड़ा, इसी तरह का सारा दिन खराब चला गया। और जैसे शाम को जनाब घर आए तो मूड अपसेट, अब बीवी से बात नहीं कर रहे हैं और बीवी ने भी बुलाया नहीं। एक दो दिन ऐसी तनातनी चलती रही, कुछ ऑफिस का नुकसान भी हो गया, वहाँ से भी बॉस ने कुछ इंक्रीमेंट काट दी, कुछ काम हो नहीं पाया। लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन दिस टाइम, एज यू कैन इमेजिन दैट, कि बहुत एक वन वीक पूरा डिमोलिश हो गया। एक संडे की छुट्टी भी उसमें निकल गई, दे वर सपोज टू गो एट हॉलीडे एट मूवी और वट एवर वॉज द प्लान, वो भी डिमोलिश हो गई। दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन दैट दे डिड, दैट दे रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन, मैं आपको वापस उसी जगह पर लेकर चलता हूँ जब दूध गिरा था। अब दूध गिरा है, वही फादर है, देयर मे बी अ डिफरेंट कंडीशन। फादर उठा, उसने बच्ची को प्यार से समझाया कि बेटी ध्यान से, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्ची ने बोला कि पापा सॉरी, बच्ची पहले ही डरी हुई है, पापा सॉरी। तो बंदा अंदर जाता है, अपना ट्राउजर चेंज करता है और हंसी खुशी उसको स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस की तरफ निकल जाता है। अब वो जो वन वीक खराब होना था वो बच गया, कहा सुनी होने से बच गई। फाइनेंशियल लॉस जो बॉस ने एक इंक्रीमेंट काट दी या उसका जो प्रमोशन था वो जो काटना था वो बच गया। सो इन दिस वे वी आर डूइंग दीज थिंग्स इन आवर लाइफ ए लॉट ऑफ टाइम्स। बहुत बार ये हम काम करते हैं, ये काम हम बहुत बार करते हैं लाइफ में, बिकॉज 10% इज द एक्शन ऑफ लाइफ एंड 90% इज द रिएक्शन ऑफ लाइफ एंड दिस इज 100% लाइफ। लाइफ 10% हमारे साथ करती है, 90% हमारा रिएक्शन होता है और 100% हमारी लाइफ क्रिएट हो जाती है। इट हैज हैपेंड विद ऑल ऑफ अस अ लॉट ऑफ टाइम्स। बाजार में जा रहे हैं, एक बाइक निकल रही है, दूसरी बाइक साथ से स्क्रैच मार के निकल गई, वी आर ट्रेसिंग देम, उसके पीछे भाग रहे हैं, वहां पे जाकर रोका, बाजार में लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं। एक कार जा रही है, दूसरी कार उसके पास से निकली, टच करके निकली, स्क्रैच पड़ा या नहीं पड़ा, फिर कार के पीछे कार भगा रहे हैं, कहीं पे जाके उसको पकड़ लिया, फिर आगे की वही कहानियां, वहां लड़ाई झगड़े, पुलिस स्टेशन तक हम लोग चले जाते हैं। वो एक सेकंड की वेट करने की बजाय हम लोग कई घंटे पुलिस स्टेशन में बिता देते हैं। बट नाउ कम बैक टू दैट पॉइंट कि जब कार से कार टच हुई थी, 10% रिएक्शन ऑफ लाइफ। अब 90% रिएक्शन हमारे हाथ में है कि क्या हम उसका पीछा करते हैं। अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, दूसरा बंदा बोलता है चलो जाने दो यार, दफाने दो, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। हमें अपने माइंड की शांति नहीं डिस्टर्ब करनी है। दिस इज द 90% रिएक्शन ऑफ लाइफ। इन दिस वे This is a really typical task of life. बहुत मुश्किल काम है ये,
हमारी लाइफ में कि अगर हमारे साथ 10% ऐसा कोई अनयूजुअल एक्शन हो जाता है और हम 90% रिएक्शन जो है वो कंट्रोल के साथ करें, दिस इज द रियली टफेस्ट टास्क ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक शांति के साथ या एक सूझबूझ के साथ उस कंडीशन को कंट्रोल कर लेना। आई हैव गॉट दिस थिंग इन माई लाइफ आफ्टर लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ गंवाने के बाद यह अकल आई कि 90% रिएक्शन शुड बी नॉट अकॉर्डिंग टू दैट 10% एक्शन। 10% है वो हमारी लाइफ में घटेगा, 90% हमारे हाथ में। 10% को हम रोक नहीं सकते, 90% हम अपने अकॉर्डिंग करते। सो अगर हम इस 90% को कंट्रोल करके चल सकते हैं, then we can control the whole life, then there will be a beautiful picture of life.